यूट्यूब चैनल बी एन ट्यूटोरियल में, बेस्ट नॉट्स ट्यूटोरियल में। अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम है प्रवक्ता का, लेक्चरर का, उसका उसकी तैयारी या उसके सिलेबस के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं या कुछ वीडियोज़ बन रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैं काफ़ी बिजी था 15 डेज के लिए, तो चीज़ें नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस चैनल पर भी लाऊंगा। तो स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, जब 2018 में इसमें इंटरव्यू आया था, तो इंटरव्यू में क्या हुआ था कि सभी ने इसका विरोध किया, ठीक है, इंटरव्यू का काफ़ी विरोध हुआ, लोग कोर्ट तक चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, दो पार्ट बनाए गए, फर्स्ट स्क्रीनिंग और दूसरा जो था आप लोगों का मेन सब्जेक्ट का एग्जाम। अब इसमें मुझे नहीं लगता, ये मेरा आइडिया है, ठीक है, कि इसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं और कुछ चेंज होगा इसमें, कोई चेंज नहीं होने वाला। आप लोगों का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा वो होगा, और जो लोग तैयारी शुरुआत से कर चुके हैं, मतलब अभी जब से ये बातें शुरू हुई है या IELTS का एग्जाम आया है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि पहले भी मैंने कहा है कि एग्ज़ाम जो भी आपका निकलता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनका भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलता है उनमें कम से कम 2 साल की प्रेपरेशन उसमें होती है। अब वो 2 साल की प्रेपरेशन अगर कॉन्टिन्यूस आपने रखी है तो आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कम तैयारी में जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 16-16 घंटे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई और कई बार इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि यार उसने तो 2-4 घंटे पढ़ता था और फिर उसका सिलेक्शन हो गया। रेयर केसेस होते हैं, वो लोगों का अपना पैटर्न होता है पढ़ने का, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन स्क्रीनिंग अगर आप मान के चले तो अभी 100% आप लोगों को स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है, ठीक है। मतलब आपको ये मान के चलना है कि स्क्रीनिंग में क्या है, जितनी जल्दी आप लोग अपनी तैयारी शुरू करते हैं उतनी जल्दी आप लोग चीजों को फिर से लाइन पर, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तैयारी में तो आप लोगों को लगभग 15 से 20 दिन तो मेंटल सेटअप बनाने में लग जाता है कि किस तरह से तैयारी करें। अभी अभी LT का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, तो आप लोग देखेंगे कि जो पेडागोजी सेक्शन है वो तो आप लोगों का ऑलरेडी क्या है, अच्छा तैयार है। तो पेडागोजी सेक्शन को या बाकी जैसे एजुकेशनल हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की है, आप लोगों ने रीजनिंग वाला पार्ट किया है, मैथ्स वाला पार्ट किया है, मीन्स आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी चीज़ें स्क्रीनिंग के ऑलरेडी ठीक हैं। अब बात आती है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे तैयार करें। मैं आप लोगों को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि किसी भी चीज़ के यू नो बेसिक्स आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बेसिक्स जब आप लोगों को क्लियर होंगे तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो हायर लेवल की चीज़ें हैं, जो इनडेप्थ चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको एनालाइज करना है, देखिए UKPSC आपका फैक्ट बेस्ड कम ही पूछेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको चीज़ों को एनालाइज काफ़ी करना पड़ेगा। इस बार आपने इवन LT का पेपर भी देखा होगा, ठीक है, कि वहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी नहीं थी जो फैक्ट बेस्ड थी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एनालाइज करके आंसर लिखना था, डायरेक्ट आंसर नहीं था, एनालाइज करना पड़ता आपको, ठीक है। तो UKPSC का तो आप लोग लेवल जानते ही हैं, वो थोड़ा सा ऊपर ही है UKSSSC से, तो वहाँ पर आप लोगों को तैयारी जो करनी है वो एनालिसिस करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये आप लोगों का इंडिया है और उसके नीचे से आप लोगों के 10 डिग्री चैनल जाता है, ठीक है, आप लोगों को ये 10 डिग्री चैनल जाता है। मैंने एक सिंपल एक फैक्ट बताया आपको कि ज्योग्राफी का, लेकिन अगर आपको इसका आइडिया ही नहीं है तो आप क्या करेंगे कि इस चीज़ को ना याद करने की कोशिश करेंगे, रटेंगे आप इसको, है ना, आपको मगअप करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो लेकिन अगर आपको पूरा जो आपके लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं उनका आइडिया है कि वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इस चीज़ के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता ये सारी चीज़ें, तो आपको कहीं आपने मल्टीपल चॉइस में पढ़ा, कहीं पे वन लाइनर में पढ़ा, तो आप लोगों को रटना पड़ेगा, अदरवाइज आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोग अगर ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे आप लोगों बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को मैपिंग आनी चाहिए कि जो आप मैप करेंगे कि सपोज कीजिए ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ पर
अमेरिका, इधर आपका अलास्का वाला पार्ट है, इस तरह से आप लोगों को क्या होना चाहिए, चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आप लोग आते हैं, फिर आपका इंडिया, ठीक है, बाकी चीज़ें, तो एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, तब जाके। बहुत ही रफ आइडिया में बनाया है मैंने मैप, ठीक है। तो लेकिन अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे मेरा, जिसमें मैंने आपको परफेक्ट मैप बनाना सिखाया था कि आप 5 मिनट में कैसे जो वर्ल्ड का मैप है उसे बना सकते हैं, आपको चीज़ें, तीन चार चीज़ें हैं कि एक तो आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन शॉर्ट ट्रिक, अब सारी चीज़ों के लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसमें स्पीड रीडिंग डालना है। काफ़ी बार बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको स्पीड रीडिंग करनी है, चीज़ों को एनालिसिस करना है, पिक्चराइजेशन मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पिक्चराइजेशन से याद रखनी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद रखनी है, कुछ स्पीड रीडिंग से याद करनी है, कुछ आप लोगों को जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको आप कार्ड्स टेक्निक से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि चलिए सारी चीजें मैं बस इस, ये वीडियो का मतलब ही ये था कि जितनी बातें, जितने मैसेजेस आए हैं, ठीक है, जितने कमेंट आए हैं वीडियोस में कि कौन सी चीज कहाँ पे हो सकती है, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात आती है कि कौन सी बुक्स हमें तैयारी के लिए लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स बेस्ट है तैयारी के लिए। तो देखिए, एक पब्लिकेशन से, अगर सिंगल पब्लिकेशन से अगर कोई एग्जाम निकलता, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी सिंगल पब्लिकेशन आपने लिया, और आप ये मान के चल रहे हैं कि जैसे घटना चक्री मान लीजिए, ठीक है, कि आपने घटना चक्र की पूरी सीरीज ले ली और फिर आपने सोचा कि घटना चक्र से मेरा पूरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक पब्लिकेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो सिंगल पब्लिकेशन से नहीं निकलता है एग्जाम। आपको कम से कम अगर अपने खुद के नोट्स बनाने, खुद का मतलब अपने लिए मटेरियल तैयार करना है, तो कम से कम 4 पब्लिकेशन आप ले लीजिए। जैसे आपने परीक्षा वाणी ले ली, घटना चक्र ले लिया, ठीक है, कोई मई सुवर्णवाल की जो बुक्स आती हैं उनको ले लिया, कोई और एक पब्लिकेशन आपने उठा लिया, और उन 4 का कॉम्बिनेशन बना के आपको सिंगल टॉपिक पे वर्क करना है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो जब सिंगल टॉपिक करते हुए जाएंगे, जैसे आप जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों में आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों में आप जिस भी चीज को पढ़े उसे इन 4 पब्लिकेशन से उसका निचोड़ बना के तब आप लोगों को उसे स्टडी करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि आप सिंगल एक पब्लिकेशन के भरोसे अगर बैठ के तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि जैसे हमारा हिस्ट्री जियोग्राफी है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो हिस्ट्री वाला पार्ट आपको इसे इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आप फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं, या ये मान के चल रहे हैं कि तीनों चीज़ों को मैं पूरी हिस्ट्री को कंबाइन किसी एमसीक्यू से कर लूं और एमसीक्यू वाले पार्ट से कर लूं या किसी और चीज़ से कर लूं। नहीं, आपको क्या करना है कि तीनों पार्ट को अलग अलग स्टडी करना है। प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, ठीक है, आधुनिक भारत हो गया, तीनों पार्ट आपको क्या करने हैं, अलग अलग, पहले तो आप लोगों को अलग अलग उस चीज को इन डेप्थ स्टडी करनी है। मीन्स आपको इसका भी मास्टर बनना है, ठीक है, इसका भी मास्टर बनना है और इसका भी मास्टर बनना है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक सिलेक्शन अधूरा ही रहेगा, मीन्स सिलेक्शन के नजदीक आप जाएंगे लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब तक मैंने चीजों को एक ओवरऑल इस तरह से पढ़ने की कोशिश की ना, तो वो मुझे ऐसा लग, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर से किया था, तो एग्जाम ना निकलने का एक रीजन ये था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैं पहले क्या करता था, पूरा एक होल लेके चलता था, ठीक है, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो मैं पूरा का पूरा उसे एक होल लेके चलता था, लेकिन जब मैंने उन्हें एजेस वाइज पढ़ना शुरू किया, पूरी एक एज को कम से कम 3 बुक्स से, 3 बुक्स का मेरा टारगेट होता था कि जैसे एज ऑफ चौसर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एज ऑफ चौसर मैंने पढ़ना है तो मैं उन्हें 3 किताबों से पढ़ूंगा। जब यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए या वाइप को तैयारी करवाने की बात आई थी आर ओ में, तो वहां पर एक चीज थी कि मेरा जो था उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन में अच्छी कमांड थी लेकिन ज्योग्राफी वाले में उसकी कमांड नहीं थी, ठीक है। तो वहां पर एक चैलेंज ये था कि ज्योग्राफी आप कैसे पढ़ी जाए, तो ज्योग्राफी का मुझे, क्योंकि ज्योग्राफी का मुझे भी उस टाइम पे आइडिया नहीं था, तो ज्योग्राफी को मैंने कम से कम 3 या 4 पब्लिकेशन उठाए होंगे और उनसे निचोड़ बना बनाकर उसको स्टडी करवाई थी, या जो कंटेंट बनाया था, जो नोट्स हमने तैयार किए थे वो क्या किए थे, वो 3 से हमने 4 पब्लिकेशन से तैयार किए थे। उसके बाद हमें जब एग्जाम में वहां पर बैठे
तो उसका हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। उसको जब सॉल्व करना था पेपर, तो उसे चीजें अच्छे से समझ भी आ रही थी। और जो पार्ट होता है, जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है, उसके मोटा मोटा अगर हम 4 पार्ट कर लें, ठीक है, 25 25 25, अगर 100 मार्क्स का है, कोई भी किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ तक 50 तक जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, नॉर्मल तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो भी 50 तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 60 या 70 के बीच में मोस्ट ऑफ लोग अटक जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ से डिफिकल्टी या जो एग्जाम में सिलेक्शन का लेवल होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद 50 तक तो सभी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन का लेवल होता है। यहाँ जितना ज्यादा आप ऊपर की तरफ को चलेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। यहाँ तक आप लोगों को फैक्ट वाइज चीजें पूछी जाती हैं, यहाँ से ऊपर आप लोगों को एनालाइज करना होता है चीजों को। डायरेक्ट आपका आंसर नहीं होगा, उसमें एक दो चीजों को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। ये लेवल जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, 100 के करीबन आप जितना ज्यादा जाएंगे, उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब ये एक तरफ से नहीं होता है, बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आंसर आता है, या कई चीजें ऐसी लगेंगी कि ये आता तो है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट आप नहीं होते हैं। इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो लास्ट के 15 क्वेश्चन होंगे, वो तो आपको ऐसा लगेगा, कई क्वेश्चन 15 के अराउंड क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं कि जो आपको लगेंगे कि आपने कभी पढ़े ही नहीं थे, लेकिन आप फिर भी अगर इन वाले क्वेश्चन में, मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि 15 क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट वाले जो होते हैं, वही आप लोगों क्या करेंगे, घुमा फिरा कर रखेंगे। और अगर आपने वहां टाइम वेस्ट किया है, तो आप लोगों सिलेक्शन के वापस आप ये मान सकते हैं कि इसी स्लॉट में रहेंगे आप, 50 55 60 तक ही रहेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पहुंचना है, ये एनालाइज वाले पोर्शन में पहुंचना है, कि जब आप 25 से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, ये आपने 25 कर लिए, फिर 25 कर लिए, अब आपको ये जब श्योर हो जाते हैं, आप हमेशा ये कीजिए कि 50 तो आपने श्योर कर लीजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए कि जो आपको बिल्कुल कन्फर्म है उन्हें कर लीजिए, ये आपके कन्फर्म हो गए। अब इसके ऊपर आपको एनालाइज करना होता है। तो ये जो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये वहां से आते हैं जहां आपका बेसिक्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप अगर गर्म जलवायु वाली, जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं हैं, उनका आइडिया अगर आपको है कि वो कहाँ से निकलती हैं और किस तरफ को उनका क्या है, फ्लो है, तो उससे क्या होगा, या वो जो हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है, उसके कितने नजदीक से वो आती हैं या कितने दूर से आती हैं, अगर आपको आइडिया है पूरे वर्ल्ड मैप का कि आप लोगों का अंटार्कटिका वगैरह कहाँ कहाँ पर है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितनी डिस्टेंस पे, या आपको पता हो कि जो सन है उसका क्या है, पृथ्वी से क्या डिस्टेंस है, किस तरफ को है, 23.5 डिग्री झुके रहने का क्लाइमेट पर क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीजें आती है, तो आप इस वाले जगह पर अपना एनालिसिस करके अपने आंसर के नजदीक आ पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो लोग कुछ एनालाइज कर पाए चीजों को। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद आदमी करता है अपने स्किल यूज या नहीं करता है, लेकिन जब तक उसका सिलेक्शन होता है, तब तक कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीजें हैं कि आप लोगों को 25% जो है, ये आप लोगों को बेसिक से आएगा। पूरी जो स्टोरी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है ना, तो उसमें बस यही है कि आपके बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या कोई साइकोलॉजिस्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं, उस थ्योरी के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लेने चाहिए। यहाँ तक है, दो चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली कि सिलेबस चेंज होगा। मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस को अगर हम बात करें कि सिलेबस चेंज होगा तो नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको तैयारी जो है वो जल्दी तैयारी अपनी शुरुआत कर लेनी चाहिए, चाहे आप किसी को ज्वाइन करें ना करें, अभी इनफ टाइम है। आप इवन सेल्फ स्टडी से करते हैं, तो सेल्फ स्टडी से भी आप क्या कर लेंगे, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि
आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है। तैयारी आप लोगों को बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करना है, बेसिक टर्म्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपका जो इंडिया का मैप है, स्टेट्स है, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। बेसिक्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है आप लोगों का शेड्यूल, कि अगर आप लोग तैयारी पे जुट रहे हैं तो अपना जो शेड्यूल है वो वही वाला शेड्यूल रखिए जो तैयारी वाला शेड्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके पढ़ूंगा, मीन्स कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा। जितने सब्जेक्ट हैं उन्हें डेली बनाइए। हर सब्जेक्ट को कम से कम 30 मिनट तो कम से कम आपको देने चाहिए। जब तक देखिए एग्जाम का पहले भी जैसे LT की बात चल रही थी तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, लगभग 1 साल पहले ज्वाइन कर चुके थे। अब वो अलग बात है कि वहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस चेंज होने का होने के बावजूद भी उन लोगों को बेनिफिट मिला, क्योंकि वो माइंड कहीं ना कहीं तैयारी के एक फेज में था। अब जो लोग अचानक से तैयारी करते हैं वो फिर बाद में थोड़ा सा ये भी हुआ कि सिलेबस उतना ज़्यादा मैच हुआ नहीं, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी जो आदमी तैयारी कर रहा होगा थोड़ा लंबे टाइम से, उसको कहीं ना कहीं तैयारी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग लिख सकते हैं चैनल पर, मैं उसे एक्सप्लेन या अपना जो आइडिया है जो तैयारी का है उसे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के शायद कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। आप तैयारी करेंगे, कॉन्टिन्यूस तैयारी रखिए, क्योंकि जो टाइम है नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन लगभग श्योर है कि एग्जाम होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।